हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेएमआरसी यानी कि दोस्तों जयपुर मेट्रो की जो आरटीआई अप्लाई है 2024 की उसके बारे में। तो दोस्तों कल मैंने जो जयपुर मेट्रो है उसमें एक आरटीआई अप्लाई कर दिया है और दोस्तों यहाँ पर जो नई वैकेंसी है उससे संबंधित और दोस्तों जो वैकेंट पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एट प्रेजेंट हाउ मैनी पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ पोस्ट इन जयपुर मेट्रो। तो दोस्तों इसमें मैंने पूछा है कि जो जयपुर मेट्रो है उसमें सभी कैटेगरियों की वर्तमान में कुल कितनी जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी है यानी कि वैकेंट है। और दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो पूछा है कि व्हेन विल द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन टेक्निकल पोस्ट इन जयपुर मेट्रो कम। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में वापस से मैंने पूछा है कि जो जयपुर मेट्रो है उसमें जो टेक्निकल पोस्ट हैं यानी कि जैसे जूनियर इंजीनियर है या ट्रेन कंट्रोलर है या मेंटेनर है उनके बारे में मैंने यहाँ पर पूछा है कि उन पर कब तक नया जो सीधा रिक्वायरमेंट है यानी कि सीधी भर्ती है वो कब तक आ सकेगी। फिर दोस्तों यहाँ पर एट प्रेजेंट हाउ मेनी पोस्ट ऑफ मेंटेनर आर वैकेंट इन जयपुर मेट्रो। और दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि जो जयपुर मेट्रो है उसमें मेंटेनर की कुल कितनी पोस्टें खाली पड़ी है यानी कि जैसे इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनर है, फिटर मेंटेनर है, तो इनके बारे में मैंने यहाँ पर पूछा है। साथ ही दोस्तों चौथा क्वेश्चन है हाउ मेनी टेक्निकल पोस्ट हैव बीन फिल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जयपुर मेट्रो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूछा है कि अभी वर्तमान तक जो जयपुर मेट्रो है उसमें टेक्निकल जो पोस्टें हैं उनमें कितनी पोस्टों को यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है यहाँ पर भरा गया है यानी कि दोस्तों टेक्निकल पोस्टों पर कितने कैंडिडेट को जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उस पर यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई है। तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूछा है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि दोस्तों अभी जो दिल्ली मेट्रो है उसमें भी कई सारे जो कैंडिडेट थे जिन्होंने 2019 का एग्ज़ाम दिया था मेट्रो का उसमें दोस्तों उस भर्ती को पूरा नहीं किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी यही मेरे को ये आशंका लग रही थी कि हो सकता है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उस पर यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग दी जा रही होगी। तो दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ पर पूछा है कि जयपुर मेट्रो में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टेक्निकल पोस्टों को कितना भरा गया है। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर ऑल टाइप्स जो वैकेंट पोस्ट है यानी कि खाली पोस्ट हैं उसके बारे में पूछा है जिसमें सीआरए की है, ट्रेन इंजीनियर की है यानी कि जूनियर इंजीनियर है, मेंटेनर, सभी पोस्टों के बारे में पूछा है। और दोस्तों जल्दी इसका जो जवाब है वो आ जाएगा, हालांकि दोस्तों लगभग 20 से 30 दिन के अंदर इसका जवाब आएगा। और दोस्तों वो जो जवाब आएगा वो भी मैं आपको एक वीडियो बना करके यहाँ पर जो है विस्तार से बताऊँगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैंने दिल्ली मेट्रो में भी कल आरटीआई अप्लाई करने की कोशिश की थी लेकिन दोस्तों वो हो नहीं पा रहा था, हो सकता है कि जो आचार संहिता है उसकी वजह से यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों एक दो दिन में जो दिल्ली मेट्रो है उसमें भी एक आरटीआई अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लगाए जाएंगे और साथ ही ये पूछा जाएगा कि जो दिल्ली मेट्रो है उसमें कब तक न्यू वैकेंसी आएगी। और दोस्तों हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उस पर ज्वाइनिंग दी जा रही है तो उसके बारे में भी यहाँ पर पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा दिल्ली मेट्रो में वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।